इस फिल्म पैडमैन में इसी को अक्षय कुमार का घर बताया गया था। जैसे आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार जी यहाँ से साइकिल लेके इधर की साइड जाते थे, तो गाइस इस साइड में तो कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, इससे पहले एक ब्लॉग मैंने राजेश्वर मंदिर में एंड कर दिया, और एक और ब्लॉग मैंने गाइस महेश्वर में ही स्टार्ट कर दिया है। जो कि गाइस अभी प्रेजेंट में खड़े हुए अपन काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे, गाइस ये जो है ना पूरा महेश्वर, इसके जो घाट हैं गाइस, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि ये पूरा बनारस की तरह दिखता है। तो गाइस बनारस तो ठीक है, वो घाट तो लगते ही है, लेकिन यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। अब मैं दिखा रहा हूँ गाइस, ये है अपना काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलो काशी विश्वनाथ मंदिर एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में अपन चलने वाले हैं गाइस आज सहस्त्र धारा देखने के लिए। अभी प्रेजेंट पहली बार जा रहा हूँ मैं, सहस्त्र धारा देखेंगे और उसके बाद में गाइस अपन पूरा एक्सप्लोर और करते हैं बचा खुचा। चलिए गाइस, इधर देखिए आप, मार भगवती नर्मदा जी का तट है और इधर फ्रंट में ही आपको काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो चलो चलते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए गाइस, कर लिए अपन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन, और अब चलते हैं अपन सहस्त्र धारा के देखने के लिए। पहले चलते हैं बोटिंग से, वैसे इससे पहले मैंने सारा का सारा महेश्वर एक्सप्लोर कर लिया है, अब बची है सहस्त्र धारा। चलो चलते हैं। गाइस अपन ने कर लिए है श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, और उसके बाद में चलते हैं अपन अब सहस्त्र धारा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर माँ नर्मदा अपने कई अनेक धाराओं में बह रही है गाइस। तो चलो चलते हैं सहस्त्र धारा के दर्शन करते हैं बोट से। और उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ आपको, मैंने जितने भी इस घाट पे है ना गाइस, पूरे को पूरे शिवलिंग बनी हुई है, जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आइए दिखा दूँगा घाट पर, पूरे जितना भी घाट है ना पूरा का पूरा सब पे इसी तरह की शिवलिंग बनी हुई है, तो इस तरह के पूरे पूरे मंदिर बने हुए, काफी मंदिर बने हुए इसमें पूरे। तो ये है तिलवाणेश्वर मंदिर, जो कि गाइस बताया जाता है इस मंदिर की हिस्ट्री ऐसी है कि जो भी मकर संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति पे एक तिल के बराबर गाइस ये मंदिर का आकार जो है बढ़ता है। फैक्ट तो सही, काफी सही, एक तिल के आकार का मंदिर गाइस ये बढ़ता है। आ गए हैं तिलवाणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद में, अब पूछते हैं यहाँ पर पीछे वोटिंग की जो वो बनी हुई है ऑफिस, वहाँ पे पूछते हैं कितना क्या प्राइस लगता है सहस्त्र धारा का वोटिंग का। आइए बने रहिए वीडियो में। ये सहस्त्र धारा तक वो 1200 रुपये सिंगल के, सिंगल का वो तो एक बोट जाएगी, पूरी बोट जाती है उसमें ना। अरे वाणेश्वर मंदिर तक के, तो चलिए गाइस पता कर लिया है अपन ने पूरा वोटिंग का। वोटिंग का दोस्तों शेयरिंग का है 50 रुपये, और वैसे अगर आप पर्सनली लेना चाहते हो दोस्तों यहाँ पे 1200 रुपये का कुछ चार्ज है। और उसके बाद में चलो अभी फिर से अपन घाट पर आ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फिल्म पैडमैन की कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई थी। गाइस आप पीछे जो देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग में जो वहाँ पर कहा जाता है कि दोस्तों जब स्टार्टिंग होती है, अक्षय कुमार गाइस वहाँ पर खड़ा रहता है, और वहीं पर गाइस ड्रोन कैमरा आता है और उनको पूरा शूट करता है, और वहाँ पर बोला जाता है कि हमारे पास इंडिया के पास पैडमैन है गाइस, ये वहीं पर बोला जाता है। फिल्म पैडमैन में गाइस अक्षय कुमार जी थे ना वहाँ पे, यहीं पे स्टार्टिंग में खड़े हुए थे, जब बोला गया था ना कि दुनिया के पास हमारे पास में इंडिया के पास पैडमैन है गाइस, यहीं पे अक्षय कुमार जी खड़े हुए थे। गाइस इस फिल्म का एक सीन यहाँ से दर्शाया गया था कि यहाँ से अक्षय कुमार जी और हीरोइन थी ना यहाँ से चलकर आ रही थी, एक सीन यहाँ से दर्शाया गया था, मैं स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद गाइस आपने उसमें मूवी में देखा होगा कि अक्षय कुमार जी की जो शादी होती है स्टार्टिंग में, गाइस ये जो मंदिर है ना
इसी मंदिर का पूरा सीन लिया गया है। तो आज अक्षय कुमार की और उसकी जो शादी होती है ना, इसमें देखो इसी तरह से सामने वो पॉइंट में वो जो मंदिर रहता है और उसके बाद में जो चौक बना हुआ है, यहीं पर गाइस पूरी शादी की पूरी तैयारी की जाती है। जैसे आपने स्क्रीन में देखा ही, ये वही जगह है जहाँ पर अक्षय कुमार की फिल्म बैडमैन में शादी हुई थी। और गाइस एक व्यू ये है जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। और भाई सब बढ़िया, बस मजे भाई। भाई इंदौर से तो चलो भाई, जैसे अब कुछ भाई लोग मिले अपने सब्सक्राइबर और गाइस, उसके बाद में अभी अपन आप पहुंचे उस जगह पर जहां फिल्म बैडमैन की गाइस एक सीन दर्शाया गया था, जहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए आ जाइए, जैसे आप कैमरे के साइड में देखो गाइस, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं वो सीन, यहां पर अक्षय कुमार गाइस, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। दोस्तों जो मॉर्निंग टाइम में अक्षय कुमार का आपने वो सीन जरूर देखा होगा, अगर फिल्म बैडमैन देखी है तो वो सीन जरूर देखा होगा कि यहां पर जो मॉर्निंग में जो अखाड़ा वगैरह बनाया गया था ना, वो यहीं पे बनाया था। साइड में उसमें आप देखो जैसे पिक्चर लगी है, इसमें साइड में दिखा दूंगा मैं, वो पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो नीलेश्वर महादेव मंदिर है और वो दिखता है उसमें। और यहीं पर बैठकर जो दंड होता है ना, वो अक्षय कुमार यूं करते हैं, और एक जो स्टंट किया था उन्होंने बैठकर, यहीं पर यूं बैठे हुए थे वो इस तरह से, और पैर यूं थे उनके, वो यहीं पर दर्शाया गया था। और उसके बाद में गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया अक्षय कुमार की जो शादी हुई थी उसके बाद में एक सीन था का, और इसके बाद में अब अपन चलने वाले हैं अक्षय कुमार का जो घर बनाया गया था यहाँ पे वो देखने के लिए। तो चलो बने रहिए वीडियो में। इस फिल्म पैडमैन में इसी को अक्षय कुमार का घर बताया गया था, जैसे आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार जी यहाँ से साइकिल लेके इधर की साइड जाते थे। तो गाइस इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, देखो मैं आपको बताऊँ गाइस, ये अक्षय कुमार का घर बताया गया था और इधर की साइड से हीरोइन कभी आते जाते दिखती थी, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं, और इधर की साइड में रेवा सोसाइटी तो वो एक्सप्लोर करते हैं, उसी को अक्षय कुमार जी का घर बताया गया था गाइस। फिल्म पैडमैन में इसी को अक्षय कुमार जी का घर बताया गया था जो कि रेवा सोसाइटी है। स्पेशल थैंक्स भी दिया गया है, जब मूवी स्टार्ट होती है ना तो उसी टाइम पे गाइस इसको स्पेशल थैंक्स दिया गया है, जिसमें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, इसमें लिखा है स्पेशल थैंक्स फॉर रेवा सोसाइटी। ये वही सोसाइटी है गाइस जहाँ पर महेश्वरी साड़ियाँ बनती है, ये वाइट वाला घर था उनका। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने इतना फिल्म पैडमैन शूट हुई इतना यहाँ पर पूरा का पूरा आपने एक्सप्लोर करा दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस मेरा प्लान तो था सहज तारा देखने जाने का, लेकिन क्या है कि मैं सिंगल हूँ, अकेला हूँ। दोस्तों जो यहाँ पर बोट है ना वो है गाइस, वहाँ पे 1200 रुपये का चार्ज लेते हैं और शेयरिंग में 50 रुपये का चार्ज लेते हैं, इसलिए अभी दौड़ अभी जाना मेरे को मंडलेश्वर, मंडलेश्वर से दौड़ते जाना, देखेंगे सहस्त्र धारा का मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री राम, जय श्री राधे।